व्यूअर्स, आज भी हम लोग कन्वर्जन ही करेंगे। कन्वर्जन से लास्ट हो रह गई है, मैं आपको वो करवा देती हूँ। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे हम प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग जो है वो बाकी की दो कन्वर्जन जो हैं वो करेंगे। चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसकी जो लास्ट टू कन्वर्जन है मैंने लिखी है, फॉर्मेलिडिहाइड टू इथाइल अल्कोहल और एसीटोन टू इथाइल अल्कोहल। दोनों से इथाइल अल्कोहल बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दिखवा देती हूँ, फिर आप उससे आगे रिएक्शन देख लें। तो हम लोगों ने ये कन्वर्जन जो है, मैंने आपको किसी की पॉइंट्स ये हैं कि जिस तरह पहला वाला जो है हम लोगों ने फॉर्मेलिडिहाइड जो ये ऊपर है फॉर्मेलिडिहाइड टू इथाइल अल्कोहल जो है उसमें जाना है। तो उसके लिए कैटलिस्ट जो हमारे पास है वो एक है ईथर जो यूज़ हुआ हुआ है ऊपर, मैंने ऊपर कैटलिस्ट यूज में लिखा हुआ है ये ईथर और इससे एच डॉट। एच डॉट मतलब है कि हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जब रिएक्टिव होता है और वो अलोन मतलब एक ही आइटम है तो उस जैसे वो रिएक्टिव है तो उसके ऊपर डॉट डाला, रिएक्टिविटी का साइन होता है बेसिक। एसीटोन टू इथाइल अल्कोहल मतलब एसीटोन को इथाइल अल्कोहल बनानी है एसीटोन से, ठीक है। तो इन दोनों में खास बात यह है कि दोनों टू स्टेप रिएक्शन है तो हम लोगों ने लिया। और दूसरे में K2Cr2O7 जिसे पोटाशियम डाइक्रोमेट भी कहते हैं और H2SO4 यूज़ हो रहा है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा जो दूसरे स्टेप में जो कैटलिस्ट यूज होगा वो है LiAlH4। तो ये जो ऊपर वाले दो कैटलिस्ट हैं एरो पे आएंगे, एक ऊपर आएगा एक एरो के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, तो फॉर्मेल्डिहाइड टू इथाइल अल्कोहल जो रिएक्शन मैंने बता दी, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए वही जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ग्रिग्नार्ड्रिजेंट भी यूज होता है अल्कोहल बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्रिजेंट ले रहे हैं जो कि मैंने ये लिया हुआ CH3MgBr, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड्रिजेंट है पूरा। तो इसके अंदर फिर हम लोगों ने क्या डालना है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, सी के दोनों साइड पे एच एच लगा हुआ, सी डबल ओ के दोनों साइड पे एच एच लगा हुआ, उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और इसे ग्रिग्नार्ड्रिजेंट में डाला और इथर की प्रेजेंस में, जब भी मैंने आपको की पॉइंट्स में दिखाया कि पहला कैटलिस्ट जो है वो इथर यूज होगा फर्स्ट स्टेप में, इथर की प्रेजेंस में हम लोगों ने जब रिएक्शन करवाया इसका तो क्या होता है कि CH3 जो है उसने अटैक किया कार्बन पे, ठीक है, कार्बन पे अटैक किया तो वो ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है कि HH तो SH आ गए और CH3 यहाँ पे लग गया। उसके बाद फिर O जो है, अब क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फिर ऑलमोस्ट बॉन्ड पूरे हैं तो O का जो एक बॉन्ड है वो खत्म होगा और O नेगेटिव MgBr पूरा आ जाएगा, साथ जुड़ जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास यूजफुल है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आया हमारे पास ये यूजफुल है तो हम इसको पूरा, क्योंकि इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको पूरा यहाँ पे लाके लिख देंगे, ठीक है। अब फिर वही हमारे पास जो वाटर डालते हैं हम, अब मैंने वाटर यहाँ पे खोल के लिखा है HOH मतलब H2O है बेसिक, लेकिन वाटर खोल के लिखा ताकि मैं समझा सकूँ। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने वही रिएक्टिव हाइड्रोजन लेना है तो हम लोगों ने H के ऊपर डॉट डाला, यही जो रिएक्टेंस का इसका साइन होता है, डॉट आपको शो नहीं हो रहा होगा आप देखें। और उसके बाद ये जब हम लोगों ने ये रिएक्ट करवाया इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो हमारे पास आते इथाइल अल्कोहल आ गई, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस तरह से आए देखिए, अब CH3SH आ गया, ठीक है, वो जो हमने लिखा हुआ था वो SH हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर CH2 जो उसके ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड के दो एच थे, जो फॉर्मेल्डिहाइड के दो एच है इनको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया CH2, ठीक है। उसके बाद फिर OH जब लाना है तो OH जो है इस तरह से आएगा कि ये जो वाटर का OH है वो उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, OH आ गया हमारे पास। फिर जो O है और वो वाला एच है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे जो ये OH ने कार्बन पे जाके अटैक किया तो क्या हो गया, यहाँ पे CaOH हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जो CH3 था वैसे लिख दिया, CH2 हम लोगों ने भी इस तरह लिख दिया, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ गया, इसको इथाइल अल्कोहल कहेंगे। और Mg जो है उसके साथ फिर बकिया है जो OH था, इसने Mg पे जाके अटैक किया, ठीक है, उसने Mg पे जाके अटैक किया तो Mg के ऊपर OH और Br के साथ ऐसे ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ गया, लेकिन ये अब हमारे पास बाय प्रोडक्ट की तौर पे एक्ट करेगा, लेकिन बेसिक प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो इथाइल अल्कोहल थी और हमारे पास हम लोगों ने हासिल कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ प्रोसीड कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ये है एसीटोन टू इथाइल अल्कोहल, ठीक है, एसीटोन टू इथाइल अल्कोहल। अब एसीटोन बेसिकली किसको कहते हैं, ओन आया है, ओन ग्रुप को क्या कहेंगे, कीटोन का होगा। अब वो फिर किसी प्रोपन ओन आ रहा है और हेक्सन ओन जो भी होगा वो सारे होंगे कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो एसीटोन जो है वो उसे कहते हैं कि तीन कार्बन वाला जो कीटोन होता है उसको एसीटोन कहते हैं। अब एसीटोन तो कीटोन भी यही चीज़ होती है, इसीलिए एसीटोन को कीटोन भी कह सकते हैं, प्रोपन ओन भी कह सकते हैं कि इसमें तीन कार्बन है। तो खैर फर्दर प्रोसीड करते हैं, हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल बनाना है। इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग इसके अंदर ऑक्सीडेशन करेंगे इसकी, ठीक है। हम लोगों ने 3 नेसेंट ऑक्सीजन डालने हैं इसमें। कैटलिस्ट मैंने आपको बता दिया था K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाला हम लोगों ने एज ए कैटलिस्ट, ताकि रिएक्शन वो स्पीड अप हो सके, ठीक है।
onwards हमारे पास product क्या आता है CH3C11OOH और HC11OOH ठीक है. तो अब ये product किस तरह है मैं आपको ये बात बताती हूँ. क्या अब ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए खोल के लिखा है ठीक है. ये लिखना आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है. आपने जो रिएक्शन मैंने पहले लिखा था आपने उसी तरह से लिखना है. अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि CH3C11O ये SH है. अब जो आगे जो CH3 था हमारे पास कीटोन में दूसरा CH3 था, हमने इसको खोल के लिखा मतलब सी और ये इसका एक एच जिसके ऊपर एक ओ ने अटैक किया और ये दूसरा एच और ये एक तीसरा एच ठीक है. CH3 हमने खोल के लिखा है और हमने 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो लिए थे वो भी खोल के लिख दिए ठीक है. अब मैंने आपको बताया कि ये जो पहला ऑक्सीजन है उसने अटैक किया एच पे तो CH3C11O और एच बन गया और ओ एच ठीक है. ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट में ठीक है. ऑनवर्ड्स फिर अब हमारे पास पीछे क्या बचा एच सी और एच ठीक है. ये बच गया हमारे पास तो एक नेसेंट ऑक्सीजन ने अटैक किया कार्बन पे तो हमारे पास आया एच सी डबल बॉन्ड ओ और फिर दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन ने अटैक किया दूसरे एच पे तो तीनों नेसेंट ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए, एक एच बच गया, बाकी सब पे भी ओ ने मतलब अटैक किया ठीक है. तो हमारे पास क्या हो गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और दूसरा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है. ये हमारे पास पूरा प्रोडक्ट आ गया. अब लेकिन ये जो है हमारे पास लास्ट है ये बाय प्रोडक्ट है, इसका कोई काम नहीं है. तो हम लोग ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए था इसे ताकि हम इथाइल अल्कोहल बना सके. तो फिर हम लोगों ने इसको लिया और वहां पे रखा ठीक है. अब क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन अब करने की क्या जरूरत है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ओ है हमारे पास, तो अब हम इसमें रिड्यूस करेंगे ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे. तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हम लोगों ने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज किया है. तो हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने 3 नेसेंट ऑक्सीजन डाले थे, अब इसमें हम 4 हाइड्रोजन मतलब डाल रहे हैं ठीक है. 4 नेसेंट हाइड्रोजन ब्रैकेट का ये निशान होता है वो नेसेंट होता है ठीक है. 4 नेसेंट हाइड्रोजन डालेंगे हम. तो अब मैं आपको ये बताती हूँ किस तरह होता है, मैं भी आई इसको भी आपको मैं खोल के बताती हूँ. अब इसमें क्या होगा कि देखिए अब मैंने खोला है वही जिस तरह 4 लिखे हुए थे मैंने 4 खोल दिए ठीक है हाइड्रोजन सारे. अब खोल के लिखे हैं मैंने, अब हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट SH लिखा है ठीक है. अब होता क्या है कि ये जो 2H है ये जो मैंने जिन पर पॉइंट आउट किया है ये 2H जो है ये इन्होंने ऑक्सीजन पे अटैक किया तो वाटर लिबरेट हो गए, जो मैंने आपको बताया नीचे से यहाँ पे ये वाटर लिबरेट हो गया हमारे पास प्रोडक्ट में. फिर हम लोगों ने देखा बाकी के जो 2 हाइड्रोजन थे क्योंकि कार्बन अकेला हो गया था, कार्बन जो है वो अकेला हो गया था और वो 2 नेसेंट हाइड्रोजन यूज हो गया, वाटर लिबरेट हो गया हमारे पास ठीक है. ये वाटर लिबरेट हो गया हमारे पास. अब ऑनवर्ड्स 2 हाइड्रोजन जो बचे थे उन्होंने कार्बन पे जाके अटैक किया तो क्या हुआ सी एच थ्री एस एच यहाँ पे हमने लिख दिया सी एच टू क्योंकि वो जो 2 कार्बन अटैक किए थे तो वो सी एच टू बन गया और ओ एच जो था वो पहले से लिखा था वो आ गया ओ एच और वाटर जो हमारे लिबरेट हुआ था हमें पहले ही पता. तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल और बेसिक हमें प्रोडक्ट ही चाहिए था तो इसलिए हमारी इथाइल अल्कोहल बन गई और ये हमारी सारी कन्वर्जन यहाँ पे एंड होती है. मैंने आपको सारी कन्वर्जन अपनी बता दी है और आप इससे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं. अगर आपको किसी और में गाइडेंस वगैरह चाहिए तो कमेंट में बताएं आप. और बस फिर अभी के लिए इतना ही, फिर मैं आपको आगे और फिर आपको क्वेश्चन वगैरह कोई एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए वगैरह तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करें कमेंट्स में. और शुक्रिया.